म्यांमार से भागकर बांग्लादेश पहुंची। यहां उनके पास सिर्फ एक लाल साड़ी है जो उन्होंने पहन रखी है, लेकिन पूजा के 3 साल के बेटे के पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं। पूजा मलिक अकेली नहीं, आज तक संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने कुटुपलम में ऐसी कई रोहिंग्या महिलाओं की आप बीती सुनी जिन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। रीका भी उन्हीं में से एक है जो अब सादिया बन चुकी है। शुक्रवार 8 बजे तारा हिंदू हरा गली गली अरे आगुदी मोबाइल हारी ले फलाई मोबाइल हारी ले तार बस्ते पुरुष कलर नया कलर आत पानी फलाई बांधी अरे खूब मारा दारा गुज्जे आज हम ऐसे सुनात दोना सिल हार थानी अरे बेकुम हारी फलाई आना आज बन नया हुआ सुंदर सुंदर देख के रे तार अरे बुआगरा ये जी बुआगरा या हद हद हमारे हद आज जात जगह ने আর হদে বিয়া করিব না, আর হদ মুসলমান ধর্ম বড় হিন্দু ধর্ম হদ বড় না, হিন্দু হদ বুদ্ধ জাগর দহ হাড়িয়ে রাখা হরে আর মুরা ভিতরে দুদিন জুড়াই রেখে ভাত পানি সারা ওয়াশা জরম মাদে বৃষ্টি হয়েছে জ্বর বিজি আর এখন মাদে রাখিন ভাই রাখি দেখি রা আমার বেতা আর হিন্দু হারা দেখতে হারা। रीका से सादिया बनी और पूजा से राबिया बनी हिंदू रोहिंग्या महिलाओं के दावे म्यांमार सेना के उस बयान से मेल खाते हैं जिसके मुताबिक रोहिंग्या आतंकवादी रखाइन प्रांत के हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए धमकाते हैं और न मानने पर मौत के घाट उतार देते हैं। बांग्लादेश में हिंदू रोहिंग्या मुसलमानों के शिविर में हमारी मुलाकात विजय रामपाल से हुई जिसने दावा किया कि हिंदुओं के कैंप से महिलाओं को जबरदस्ती रोहिंग्या मुसलमानों के कैंप में ले जाने की कोशिश की जा रही है ताकि उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा सके। 8 জন মহিলা সুস্থ সুস্থ যারা আছে তারারে এই রোহিঙ্গার ক্যাম্প মাঝে আনিয়ে মুসলমান জাতি বলা হয় রাখি নিয়ে এসছে ইন্দি সবন সান মারনি তারপরে ইন্দি সুজন আরো পুলিশ লই যায় তারার উদ্ধার করে এ জাঙ্গা থাকনি। आज तक संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने इस गंभीर मुद्दे को लेकर बांग्लादेश के सूचना प्रसारण मंत्री हसन उल हक इनू से बात की।